हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे के अंदर डाउट में रहते हैं। डाउट में इन द सेंस मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई यही नहीं पता कि जैसे जो है एक्चुअली क्या प्रिपेयर करें। सिर्फ पढ़ तो लिया, अब करें कहाँ से। अगर किसी के माइंड में मान लो सपना चल रहा है कि भाई मुझे नीट में क्वालिफाई करना है, और सपोज वो अभी 11th में आया, ठीक है, या फिर 12th में है, में पॉसिबल 1 ईयर ड्रॉपर है, में पॉसिबल मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, कोई हो सकता है। अब ये जब कंडीशन आती है कि भाई आपका ये जब आप बात करें कि भाई 11th में आया या 12th में आया, ठीक है, या सर 1 ईयर ड्रॉपर है, टू मोर देन 1 ईयर ड्रॉपर है, पर ये समझ में नहीं आ रही भी चीज़ की सर कंटेंट, ठीक है, पढ़ लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें अगर हम जो है नॉर्मली करना चाहें तो। कोई एक बुक आप रेफरेंस करें, नॉर्मली ये सवाल रहता है। देखिए, जनरली मैं बता दूं, थोड़ा सा इन लोगों को तो आइडिया रहता है, खासकर इनको सबसे ज्यादा, कि भाई क्या करना है। कई बार पढ़ा होता है तो इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अब मैं ये पढ़ूंगा, एक रिसोर्स लूंगा तो उससे मैं करूंगा। आप जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं 11th 12th में, सारा साथ में उसमें, बस मैं बात करूं नोट्स की, और उसमें अपना एनसीईआरटी हमेशा ध्यान रखें, पहले नोट्स, देन आफ्टर एनसीईआरटी, फोर रिवीजन। आपने पढ़ा नोट्स से, आपने नोट्स बनाए, नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ लिए जब एक बार, उसको उसी दिन में या अगले दिन में एनसीईआरटी से दोबारा पढ़े, ये आपका रिवीजन। फिर उसके बाद दोनों को एक बार फिर पढ़ेंगे, ये आपका 1 टाइम मोर रिवीजन। इतना ही पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है कंटेंट। अब कंटेंट पे क्वेश्चन करने, क्वेश्चन करने के लिए देखिए, आप चाहे 11th में हो, 12th में हो, 1 ईयर ड्रॉपर हो, मोर देन 1 ईयर हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। नोट्स हैं, एनसीईआरटी है, दोनों को पढ़ा, नोट्स पहले, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट पहले अच्छा क्लियर होगा, बिल्डअप होगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अब आप रिवीजन के लिए एनसीईआरटी को उठा सकते हैं, अब आप उसको रिवाइज करिए। उसके बाद आप जब, अब आता है कि भाई ठीक है, हमने नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, अब सर रिवीजन कर लिया, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, कई बार कर लिया, अब क्या करें। अब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक रेफरेंस बुक उठाइए, चाहे MTG है, MTG पब्लिकेशन की आती है, 11th 12th दोनों की एक साथ आती है, अलग अलग भी आती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये सारी बस लेनी है आपको ऑब्जेक्टिव वाली, जिसमें आपको ये नीट के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस का आपको मिल जाए, या फिर आर्यंत की उठा लो, ठीक है, ये भी ठीक है। एक आजकल नया आया एडुकार्ट, इसकी उठा लो, ये भी ठीक है। डॉक्टर अली, ये भी बढ़िया है। आपकी दिशा पब्लिकेशन की, ये भी ठीक है, ठीक है। एक बुक में बता देता हूँ, जैसे आपका एक और है GRV, ठीक है, और मैं इसको बातला करके बोल देते, ये कभी बहुत डिटेल में जब था तब आता था, आज इतना इसको इतना डेट में नहीं जाना हमें, तो GRV बाटला कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन सब में, तो इन सब में कोई भी उठा लीजिए आप, कोई भी एक बुक, किसी के पास कहीं से कुछ भी मटेरियल है, लेकिन चैप्टर का, हर चैप्टर का कंटेंट के बाद MCQ है, लगभग 150-200 क्वेश्चन है हर किसी पे, तो आप इनमें से कोई सी भी उठाइए, कोई एक, कोई सी भी उठाइए, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए,
ठीक है, कोई सी उठा लीजिए, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना स्कोर देखिए कि क्या है। पर ये चीज तैयार होने के बाद ऐसा नहीं है थोड़ा सा पढ़ा उसके बाद सीधे क्वेश्चन करने बैठ गए, नहीं होगा सॉल्व और आपका मोरल डाउन होगा। तो ये सारा किया, हर चैप्टर के लिए कंटेंट तैयार किया आपने, उसके बाद क्या, अगर कोई कहता है रेफरेंस बुक तो इनमें से कोई सी भी ले लो और उसी को प्रैक्टिस करो, प्लस नोट्स के बाद जो भी असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं सॉल्व कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि वो टीचर ने सेट किए होते हैं और वो काफ़ी उसको देखा गया होता है, उसको बढ़िया से कहने कहीं बोल सकते हैं आप, अच्छे से देख के आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो असाइनमेंट जरूर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कोई भी एक हो, ये आपका टोटल अगर मैं कहूँ तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए नीट के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा फालतू चीज़ों में नहीं जाना है कि आप फालतू जा रहे हैं, अच्छा ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। पूरे साल में आपने किया गया एक ही चैप्टर को अलग अलग सोर्सेज से बार बार पढ़ा, आप बस पूरे साल में 2 से 3 ही चैप्टर ढंग से तैयार कर पाए, आपके साथ ये होगा, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। कहने कहीं अगर मैं बात करूँ तो हमें जो है कंटेंट तैयार करना है पूरा पहले, उसके बाद फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, ये काम करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, और ये नोट्स पहले ये मैं बोल दूँ जनरली कि जो चीज़ आपको मिल रही है आप क्लासरूम में जो भी नोट डाउन कर रहे हैं वो सबसे पहले पढ़े, क्योंकि वो क्या बेहतरीन होता है आपके समझने के लिए, आपको क्लास में समझाया भी गया होता है तो बेहतरीन होता है कंटेंट, आपके पूरा बढ़िया एक्सप्लेनेशन के लिए होता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। अब रिवीजन के लिए आप उस कंटेंट को पहले एक बार वहाँ पढ़ाए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, यही 2 से 3 बार यही करिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैं बता दूँ जो भी तैयारी कर रहा है, जो फिलहाल अभी 11th क्लास में बच्चा है तो उनके लिए तो कहूँगा अभी 2025 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा रीट का, बाकी जो अभी 12th में है उनके लिए भी जिनका 2024 में अटेम्प्ट होगा, ठीक है। ये लोग जो अभी इस साल भी दे ही रहे हैं, ठीक है, और अगर बाई चांस नहीं होता तो अगले साल जो भी अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो आप समझिए जो भी कोई भी, तो ये अगर आप कॉन्सेप्ट या ये पूरा आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं और ज़्यादा परेशान नहीं होते कि ये वो कर रहा है ये वो कर रहा है मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप कोई भी एक सोर्स को लीजिए, अपने क्लासरूम के नोट्स के साथ एनसीईआरटी को फॉलो करिए, कोई भी एक सोर्स को लीजिए उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, सिंपल। क्लासरूम का जो भी वर्क है उसको आप लेकिन सॉल्व करें, असाइनमेंट कोई क्वेश्चन कुछ भी क्लासरूम का सारा कॉन्टेंट ये सब, उसके बाद कोई भी एक बुक लेके सॉल्व करिए, सिंपल। आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारा कंटेंट अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आइदर यू आर गिविंग इन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट और इन 2024 कभी भी। देखो 2023 का मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई 2023 के लिए आपका यू कैन से 2 हफ्ते भी नहीं रह गए हैं, कुछ 10 to 12 days रह गए हैं, तो इसमें तो अब आपने जो तैयारी की है वही आप करिए, उसी पे प्रैक्टिस करिए, बस इतना ही बोला जा सकता है। हाँ लास्ट टाइम ये है कि आप सारी चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर लें 2023 के लिए, बाकी तो और इसमें कोई खास वो नहीं है, ठीक है। आई थिंक किसी के मन में अगर डाउट हो कि सर हम किस तरह से प्रिपेयर करें अगर आगे के लिए 2024 या 25 के लिए कर रहे हैं तो किस तरह से प्रिपेयर करें, तो ज़्यादा भागना नहीं, इतना ही तैयार करना है, बट क्या है इसको मोर नंबर ऑफ रिविजन्स की ज़रूरत होगी, और साथ में जो है मैं बात करूँ एक प्रॉपर ये डिसाइड रखना है अपने मन में कि भाई इतना कंटेंट करके मेरा ये तैयार होगा, फिर मुझे अगले पे चलना है, फिर मुझे अगले पे चलना है, सारा तैयार करना है। ऐसा नहीं पूरे 2 साल आपने पढ़ा या 1 साल पूरा पढ़ा उसमें आप 4 चैप्टर तैयार कर पाए तो वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाए, ओके। चलिए तो ये मुझे लगता है किसी के मन में डाउट हो, 1-2 बच्चे जैसे पूछ रहे थे तो उनके मन में अगर डाउट हो तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा और इसमें आप आराम से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ओके। चलिए थैंक यू।